नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट सामने आ चुकी है। चलिए बताते हैं इस मैच का क्या कुछ घटा। तो अगर आप भी भारतीय टीम के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि मैच का कौन सा मूवमेंट आपको अच्छा लगा। भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। शिखर धवन ने अगुवाई वाली भारतीय टीम में कुछ युवा शामिल हैं, जिनमें से कुछ ने भारत के लिए कुछ मैच खेले हैं जबकि कुछ अन्य को खेलना बाकी है। कम से कम 6 भारतीय खिलाड़ी अनकैप्ड हैं, हालांकि उनके पास हाई प्रोफाइल इंडियन प्रीमियर लीग का अनुभव है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद श्रीलंकाई टीम ने अपनी टीम को पहले मुकाबले में 50 ओवरों में 6 विकेट पर 262 रनों का स्कोर दिला दिया। अब यही देखने वाली बात है कि श्रीलंका के गेंदबाज उस स्कोर का बचाव कर पाते हैं या फिर नहीं। श्रीलंका की पारी के ज्यादातर बल्लेबाज पिच पर जमने के बाद आउट हुए हैं। कुलदीप यादव, दीपक चहर और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट के लिए, जबकि पांड्या बंधुओं ने हिस्से में 1-1 विकेट आया। भारतीय गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते हुए कलाई बल्लेबाजों की मेहनत पर जाया करते हुए उसे बैकफुट पर भेजने में सफल रहे, लेकिन यह नंबर 8 बल्लेबाज चमिका करुणरत्ने ही थे जिन्होंने आखिरी में श्रीलंका के लिए समीकरणों को बहुत हद तक बदल दिया। 263 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों ओपनर खासकर पृथ्वी शाह ने टीम को बहुत ही शानदार शुरुआत दी। पृथ्वी शाह ने 5.3 ओवरों में ही पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े, जिसमें पृथ्वी शाह का योगदान 24 गेंदों पर 43 रन का रहा। एक बाउंसर हेलमेट पर लगने के बाद ध्यान भंग हुआ तो इसका फायदा संजय डी सिल्वा ने अपने पहले ही ओवर में उठाते हुए पृथ्वी शाह के तेवरों पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन छोटी सी पारी ने फैंस का दिल जीत लिया। ईशान किशन ने अपने डेब्यू का यादगार बना दिया, उन्होंने अर्धशतक जड़ा। 23 वर्षीय ईशान किशन ने 33 गेंदों में 50 पूरी की, वह 53 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं शिखर धवन 19 रन पर खेल रहे हैं। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 127 रन पर 1 विकेट पहुंचा दिया था। उसके बाद दोस्तों मनीष पांडे 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, उन्होंने 40 गेंदों का सामना किया। पांडे ने एक चौका और एक छक्का जड़ा। टीम इंडिया को यह तीसरा झटका लगा। 30.4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 215 रन पर 3 विकेट हो गया था। और अंत में दोस्तों सूर्य कुमार ने 20 गेंदों पर 31 गेंदों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके शामिल थे। शिखर धवन ने ताबड़तोड़ कप्तानी पारी खेली, वो भी 86 रनों की, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। ऐसे में दोस्तों भारत ये मैच 7 विकेट से जीत गए। तो दोस्तों दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको मैच का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।